नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश चंद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक सुरेश चंद। दोस्तों, यहां हम इलेक्ट्रिक व्हीकल और टेक्नोलॉजी एंड साइंस से जुड़ी हुई नई नई अपडेट की जानकारी देने की आपको कोशिश करते हैं। आज भारतवर्ष में गो इंडिया ग्रीन इंडिया का नारा प्रचलन में है। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हमें प्राप्त हुए और ज़्यादातर कमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ईएमआई को निकालने के लिए लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोस्तों, हमने एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से डायरेक्ट जाकर आप किसी भी प्रदेश में रहते हों और कोई भी व्हीकल आपको ख़रीदना हो, चाहे ट्रियो हो या फिर कोई और, आप उसका प्राइस, ईएमआई आदि सब कुछ पता कर सकते हैं। ईएमआई निकालने के तरीके के साथ दोस्तों, आज हम ट्रियो के कुछ खास फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। और जो लोग नए हैं वो आइकॉन दर्ज जरूर प्रेस करना, ताकि हमारा जो भी नया नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को प्राप्त हो जाए और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ आपको सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आना है दोस्तों, और वहाँ पर हमने जो लिंक दिया है उसको आप कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद अपने क्रोम ब्राउज़र या गूगल में सर्च कर लेंगे। दोस्तों, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। दोस्तों, इसमें आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ जिस व्हीकल के बारे में आपको खोजना है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होंगी। दोस्तों, यहाँ आपको मिलेगा कैलकुलेट ईएमआई एंड लोन फॉर योर डिज़ायर्ड मॉडल। तो दोस्तों, यहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले पोर्शन पे आपने कंपनी का नाम और उस व्हीकल का मॉडल डालना है, जो भी कंपनी का नाम है। मुझे महिंद्रा का देखना है तो दोस्तों मैं महिंद्रा क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कौन सा मॉडल है, ट्रियो है, ट्रियो यारी है, जो भी है उसके बारे में आप यहाँ पर इसे क्लिक कर देंगे। मैं ट्रियो कर देता हूँ। इसके बाद आपको सिलेक्ट सिटी डालना है। दोस्तों, यहाँ पर पटना लिखा हुआ है तो आपका जो भी सिटी हो उस सिटी को आपने यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद नीचे दिया है पीरियड टाइम, तो आपको 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जो भी टाइम पीरियड आप लेना चाहते हैं उस टाइम पीरियड को आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नीचे आपको बैंक डिटेल डालनी होगी, यानी स्टेट बैंक से अगर आप लोन लेना चाहते हैं या फिर किसी अदर बैंक से, तो आपको यहाँ उसका ऑप्शन चूज़ करना होगा। यहाँ ऑप्शन चूज़ करने के बाद दोस्तों, आपने कैलकुलेट ईएमआई पे आपको ओके कर देना है। तो यहाँ कैलकुलेट ईएमआई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, उस व्हीकल की पूरी इन्फॉर्मेशन निकल कर आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है डाउन पेमेंट दिया हुआ है कि आप डाउन पेमेंट कितना कर सकते हैं, ईएमआई दिया हुआ है कितना लोन आपको पड़ेगा और किस परसेंट पे पड़ेगा और कितने मंथ के लिए। तो यहाँ सारी डिटेल्स आपको ईएमआई से रिलेटेड आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं ट्रियो के कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, ट्रियो ई रिक्शा के बारे में यहाँ हम जान लेते हैं। यह है आपको ब्लू एंड वाइट कलर में आपको मिलेगा। यह एक पैसेंजर रिक्शा होगा। दोस्तों, सीटिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो 5+1 यानी 6 सीटर यह है ई रिक्शा आपको प्राप्त होगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड की अगर हम बात करें तो दोस्तों 45 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, और लोडिंग वेट की अगर बात करें तो 500 किलोग्राम का इसके अंदर लोडिंग क्षमता है। वहीं मोटर रेटेड की अगर बात करें तो दोस्तों 4.7 स्पीड 45, और बैटरी इसके अंदर लिथियम आयन दी गई है। टर्निंग रेडियस 0 to 5 सेंटीमीटर का है और ड्राइव वेट 235 किलोग्राम का। बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 130 AH की है। कंट्रोलर 35, बैटरी चार्जिंग टाइम इसका 6 घंटे का मिलेगा, और बैटरी की क्वांटिटी 1 से 4 होगी। इसमें आपको लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिक चार्जर प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर बॉडी टाइप की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको एल्यूमिनियम एंड आयरन स्टील से लैस यह बॉडी आपको प्राप्त होगी। मैक्सिमम लोड की अगर बात करें तो इसके अंदर 500 किलोग्राम का मैक्सिमम लोड कैपेसिटी होगा इसका, और मोटर पावर रेटिंग 4.7। इसकी अगर छत की बात करें तो दोस्तों यह एक प्लास्टिक फाइबर में आपको प्राप्त होगी।
वहीं अगर हम वारंटी पीरियड की बात करें तो 36 मंथ का इसका वारंटी पीरियड है, 1350 वाट का इसमें पावर है। वहीं बैटरी वजन की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें 80 किलोग्राम की आपको बैटरी प्राप्त होगी और इसमें जापान टेक्नोलॉजी निर्मित है। तो दोस्तों यही रही इसकी खास फीचर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए सिर्फ इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार।